बहुचर्चित ममिता मेहर हत्याकांड मामला कोर्टे चार्जसीट दाखल कला पुलिस 120 दिन पूर्व कोर्टे चार्जसीट दाखल करा बंगमुंडा जेएमएफसी कोर्टे मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू और सहयोगी राधेश्याम चंडी नाँ चार्जसीट दाखल होती पखापाखि 2000 पृष्ठार चार्जसीट दाखल होइतबार सूचना मिली। गत अक्टोबर 8 तारीख में ममिता को हत्या करते गोविंद और तार सहयोगी राधे मामलें उभयों को गिरफ्त कर तदंत जारी रखी पुलिस। तेज बड़ खबर बर्तमान समय आसू पूरा घटन चार्जसीट दाखल होती अधिक अपडेट ना आम सहित जोड़ बलांगीर रिपोर्टर दीपक पुरोहित। अच्छा दीपक कौन अधिक अपडेट रही संपर्क में देखो एक्चुअली बहुत चर्चित ममिता मेहर हत्याकांड घटना एनिक बलांगीर पुलिस 120 दिन पूर्व बंगमुंडा जेएमसी कोर्ट चार्जसीट दाखल कर आईओ रही डीएसपी बटकृष्ण मिश्र आज संध्या 6 जेएमएफसी बंगमुंडा कोर्टे से फाइनाल चार्जसीट दाखल कर जनापड़ी पखापाखि 2000 पृष्ठार जो चार्जसीट दाखल कर जमापड़ी जेहेतु जेहेतु महाली कलेज अध्यक्षा थे सनसाइन महाली कलेज ममिता को गत अक्टोबर 8 तारीख में जी रही कलेज मालिक गोविंद साहू और तार जो सहयोग ड्राइवर रही राधेश्याम चंडी ममिता को बहुत योजनाबद्ध भाव में अति नृशंस भाव में हत्या करते घर डाकि नहीं हत्या कर जो महाली फिल्ड रही फिल्ड में शरीर को खंड कर कटा जाता टायर जो पूरा नृशंस भाव में हत्या करते जहाँ ममिता पर दावी करते जे मुख्य अभियुक्त रही गोविंद साहू तो फांसी दि जाऊसीट बेस गुरुत्वपूर्ण देखो निश्चित भाव में गायत्री 2000 पृष्ठार जो फाइनाल चार्जसीट बलांगीर पुलिस दाखल कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जेहेतु ममिता पर लोके जो अभियुक्त रही फांसी देवाई मुख्यमंत्री निकट दाबी जन इन्हें मुख्यमंत्री यही घटना को लेकिन मुख्यमंत्री गुरुतर सह नहीं और यार एक स्वतंत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट घटनार घटना विचार करने मुख्यमंत्री निर्देश देते बलांगीर पुलिस घटना को घटना गुरुत्व सह नहीं जेहेतु गोविंद साहू पूरा फेरार हो जाता और निजे गोविंद साहू कन्फ्रेस कर कि भाव से योजना करती नृशंस भाव में कि ममिता को हत्या करता किंतु मुख्यमंत्री जो पीड़ित परिवार रही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री न्याय समस्त दीपक बेस गुरुत्वपूर्ण आपड़ कहते अपडेट दौले संपर्क में गत अक्टोबर 8 तारीख में ममिता को हत्या करते गोविंद तार सहयोगी राधे ए संपर्क में पुलिस 2000 पृष्ठार एक चार्जसीट दाखल कर दीपक आप सूचना।